सो हे गाइस, वेलकम टू वन मजेदार व्लॉग। व्लॉग तो आज है 8 जनवरी 2022। तो अभी का टाइम हो रहा है क्या 1:30। और मैंने इतने दिन से व्लॉग इसलिए नहीं किया क्योंकि मुझे फीवर था, तो उसे छोड़ो। तो अभी मेरा होना एग्जाम और ये मैं पी रहा था कोल्ड कॉफ़ी। तो एग्ज़ाम मेरा 2 बजे तक की है, तो मैं 2 बजे तक कर लूँगा और फिर अभी आपको मिलता हूँ। मैंने अपना बल्कि यूटी होता है वो मैंने दे दिया और अब बोले 2:30 और बारिश सच में बहुत है। तो मम्मा यहाँ पे बना रहे हैं खाना। हेलो मम्मा, खाना बना रहे हो? तो मम्मा बना रहे हैं खाना, तो मम्मा बनाएंगे और हम खाएंगे। तो यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ मेरे घर का, यहाँ पे शिव जी की फ़ोटो आ जाती है प्रणाम। तो यहाँ से हम चलते हैं, तो थोड़ी लाइट कम है, उसकी टेंशन मत लो। तो मेरा रूम हमेशा बिखरा ही रहता है, उसे छोड़ो। और अगर आप लोग पूछो इतने दिन क्यों नहीं मैंने व्लॉग डाला, मैंने व्लॉग इसलिए डाला क्योंकि मुझे हो गया था फीवर नानो उसके आने के बाद, नानो उससे आने के बाद मुझे हो गया था फीवर, तो उसे छोड़ो। तो देखो हो रहे हैं 2:35 हो रहे हैं, उसको छोड़ो। और अभी खाना खाएंगे और फिर आपको मिलते हैं। बारिश के कारण हुआ ये कि देखो मेरा रूम तो पूरा ठीक है और लेकिन हुआ ये है, ये देखो यहाँ पे हो गया है पानी क्योंकि ऊपर पता नहीं कुछ ऐसे पानी की वजह से कुछ हो रहा है, उसका पता नहीं सीलन आ गया आई थिंक, लेकिन हमेशा नहीं होता आई थिंक, बारिश के बाद हो जाएगा ठीक। तो बस अभी का अपडेट यही है। तो अभी खाना खाएंगे और साथ में आज है सैटरडे और कल है संडे, तो आज आएगा कपिल शर्मा शो, तो देखने में बहुत ही मज़ा आता है। हम इसके ऊपर देखते हैं, ऐसी कोई बात नहीं कि छोटा है टीवी उसका कुछ नहीं है, इसके ऊपर भी बहुत अच्छा दिख जाता है। और अभी चलूँगा मैं खाने खाने के बाद आपको ऊपर दिखाता हूँ, अपना स्टूडियो दिखाऊँगा आज मैं आप लोगों को। और अगर आप लोगों को मेरी ड्राइंग मतलब कि मैं स्केचिंग भी करता हूँ, पहले मैं स्केचिंग की वीडियोज़ डालता था तो वो जैसे बंद हो गया उसे छोड़ो। अगर आप सो इस फैक्ट ये है कि जब भी हम इंडियन फैमिली में कोई भी खाना खाता है इसके बिना कोई खाना नहीं खा सकता। तो अभी किसी से मिलाना था वो चले गया, चलो छोड़ो अभी खाना खाते हैं। और ये मम्मा का फ़ोन है, पहले मैं अपने दादी के फ़ोन से शूट कर रहा था। तो आपको आज मैं आज या किसी वीडियो में पूरा बताऊंगा कि मेरे पास कौन कौन से फ़ोन हैं और मैं उनसे क्या कौन कौन से मैं शूट करते रहता हूँ। तो अभी खाना खाते हैं। सो गाइस, मैंने खाना खा लिया है और हुआ ये कि मैंने आपको दिखा रहा था कि उस वाले रूम में ऊपर से पानी आ रहा था, इधर भी पानी आना शुरू हो गया, पता नहीं ये क्या प्रॉब्लम है, पानी आ रहा है। और अभी हम देख रहे हैं MTV बीट्स पे गाने। तो अभी मैं ऊपर जाऊंगा स्टूडियो में, तो मिलता हूँ। और मम्मा अभी कर रहे हैं रेस्ट क्योंकि सुबह से बहुत काम किया था, बाबू को थक गए, तो अभी आपको ऊपर मिलता हूँ। सो गाइस, मैं आ चुका हूँ, मैं अभी मतलब ऊपर नहीं गया, मैं अपने फ्लोर पे ही हूँ। तो अभी हो रहे हैं 4:28 और मौसम देख सकते हैं धूप आ गया है और थोड़ी थोड़ी बारिश है, तो कोई बात नहीं, हमने तो अपने रूम में ही बनना है। सो और ये है मेरा भाई बल्कि चाचू का बेटा, इसका नाम है रेहान। हेलो हेलो भाई। तो अभी ये भी ऊपर जा रहा है मेरे साथ स्टूडियो में, तो अब चलते हैं। उधर असल फ़ोन थोड़ा अटक गया था कहीं पे, तो मैं तब शूट नहीं कर पाया, अब चलते हैं। है रेहान? यस। और थोड़ा खिलारा होगा बाहर क्योंकि यहाँ पे मैं सफाई कर रही हूँ, की सोचता हूँ लेकिन करता है नहीं। तो अभी पहले टेरेस पे चलते हैं। हाँ भी है, खोलो खोलो भाई, बारिश आ रही है। नहीं, वो तो दीवार से नीचे गिर रहा था। अच्छा, दीवार से। सो गाइस, मौसम पूरा अच्छी तरह से खुल चुका है, हाँ काइट्स भी उड़ रही हैं, उड़ाएंगे अभी थोड़ी देर में। तो अभी चाचू जब बल्कि चाचू थोड़ा काम पे गए हैं, वो जब आएंगे तो उड़ाएंगे। तो बड़ा अच्छा मौसम हो गया, अभी मिलता हूँ। सो गाइस, आप लोगों को दिखाता हूँ, देखो जैसे बल्कि अगर मैं काइट उड़ा रहा हूँ, मैंने किसी की वो कर दी, मुझे अच्छी लगी उसको, वो भी मुझे चाहिए जो मैं उड़ा रहा हूँ वो भी। तो कहाँ गई वो काइट, ये देखो ये वाली काइट ना, ऐसे हम ना रुम्ब लेते हैं, मुझे तो नहीं आती, ये बाकी जो है मेरे नेबर्स के बल्कि बेटे वगैरह वो रुम्ब लेते हैं आराम से। तो चलो छोड़ो। और ये देखो आज इतनी अच्छी बारिश हुई कि सबके अच्छे अच्छे घरों के घर में पानी की लीकेज कर दी है। तो ये हमारा
मतलब कि प्लांट्स का एरिया, तो जो कि बहुत अच्छा है। ये ऊपर भी किए हुए हैं मैंने, जो कि बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। वो छोटी सी काइट, हाँ एक छोटी सी काइट है भाई, 2 रुपए की गुड्डी इतनी ऊपर। सो गाइस मैं अंदर बैठ के ये वाला आर्टवर्क शुरू किया तो है, लेकिन ये रिहान और मम्मा बाहर देख के करे। ये काइट है ये एक। हाँ जी बोलिए। आ रहा हूँ मम्मा। यहाँ पे इनके काइट्स की लूट शुरू हो चुकी है। ये देखो पीछे अभी भी पड़ी है, नहीं लूटने का जो मजा है वो लूटने का ही है। तो अभी मुझे लगता है जाना ही पड़ेगा, तो चलते हैं बाहर। सो गाइस ये वाली काइट उड़ाएंगे, वो वाली खराब है। तो रेहान जी आज आप मेरे कैमरा मैन हो, अभी इसे उड़ा के देते हैं। उड़ा नहीं जाती मुझे तो, देख ले। अबे ये तो फटी हुई है, पानी है गाइस, पोपट हो गया। क्या कर रहे हैं, किधर दिखा रहे कैमरा? ओ पोपट हो गया, उसको कैमरा नहीं पकड़ना रहा। ये काइट फटी हुई है, ये कहां से फट गई? कैसी काइट है ये? अब रेड वाली लेके आओ, जाओ रेड वाली। वो वाली बड़ी, वो वाली नहीं दूसरी लेके आओ। सो गाइस सारे टोंट के जुगाड़ लगा लिए, मुझसे नहीं उड़ी गाइड तो छोड़ो, बाकी इतने सारी हैं। और मतलब कि मैं अगर उड़ा रहा हूँ ना, ये गिल्ली है तो यहाँ पे मिनट बाद नीचे गिर रही है और बाद में फटी जा रही है, तो चलो छोड़ो। और अब शायद चाचा आ चुके हैं ऊपर, चाचू कुछ दिखा रहे हैं। इन्होंने मुझे ये वाला ट्राइपॉड मुझे गिफ्ट किया था। और अब एक और चीज़ आ रही है, तो डलहौजी में तो बहुत बर्फ पड़ रही है। मैं कह रहा हूँ कर दो स्पॉन्सर मुझे भी ले जाओ। तो कहते हैं पहले वैसे सच में यहाँ पे भी बहुत ठंड है, वो अलग बात है मैं नहीं डालता। तो अभी हम क्रिकेट खेलने लगे, काइट फ्लाइंग कैंसिल। तो लाओ भाई अपने अपने बैट और बॉल्स, तो मैं अपना बैट लेने चलता हूँ। मेरे पास 3 बैट है, मैं एक लेके आऊँगा, लेके जाता हूँ। वो देखो पंछियों का झुंड जाते हुए, कुछ पीछे रह गए क्या पता। चलो क्रिकेट खेलना शुरू करो। सो गाइस आप लोगों ने जैसा कि देखा हमने क्रिकेट खेल लिया है, और मौसम हो चुका है थोड़ा सा और ठंडा और रात हो रही है। तो प्लान है बाहर जाएं, लेकिन वो लगता है कल जाएंगे, तो काइट्स भी कम हो गई है। चलो अपना अंदर स्केचिंग करूँगा और बाद में एडिट करेंगे, तो अभी स्केचिंग। सो गाइस मैंने वो जो फैदर था वो भी कंप्लीट कर लिया, और अब टाइम हो रहा है 6:30 हो रही है। तो अब हम नीचे जा रहे हैं, मम्मा थोड़ा काम है वो करते हैं, और आज पूरा संडे लग रहा है, तो अभी नीचे चलते हैं, काम करने के बाद आपको मिलता हूँ। सो गाइस ये हो चुके हैं बहुत सारे डब्बे, है ना रेहान? अब मैं दुकानदार बनता हूँ। नहीं अब नहीं खेलना। सो गाइस मैंने मतलब कि ऐसे अपने नेट से चेक करके ये सभी फोन के मतलब कि रेट प्लस किए, और मतलब कि मैं इन खाली डब्बों में ही 1,40,100 रुपये का बंदा बन गया, सेठ बन गया। तो अगर आप लोगों को ब्याज पे कुछ लेना होगा ले लीजिएगा, और हाँ मैं आईफोन भी बेच रहा हूँ ले लेना। सो गाइस मम्मा की हेल्प कर दिया मैंने, और मम्मा ने आज बनाए हैं पुलाव, जो कि बहुत ही टेस्टी है, मैंने खाए हैं। और फिलहाल मम्मा बैठे हैं, और अब मेरी मतलब जो मैं इनकी तारीफ़ कर रहा हूँ वो खुश होकर सुन रहे हैं। और टाइम हो रहा है 8:20, और मैंने बहुत सारे फ़ोन के बॉक्स निकाले हैं जो कि आपको मेरे स्टूडियो में देखेंगे। तो अभी इसे खाने का मैं इंजॉय करता हूँ, और मुंह में पानी ले लो गाइस। गाइस हमने डब्बा का एक मतलब कि बिल्डिंग बना लिया, लेकिन ये एक इंसान भी लग रहे हैं ना, ये इसका मुँह है, ये पूरी ये पैर बस यहाँ पे उसके हैं। सो गाइस आपने देखा वो बिल्डिंग बनाई, अब हमने इसका बुर्ज खलीफा बना दिया, जो कि बड़ा तगड़ा लग रहा है।
गाइस अगर आपको ये वाला ब्लॉग अच्छा लगा तो जाके लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो और सब्सक्राइब कर दो आ रहा है। और थैंक यू फॉर वॉचिंग।